जब यहाँ पे देखते हैं किस तरह से ये पूरा टूर्नामेंट अनफोल्ड होता है। यहाँ पे प्लेयर्स अपने यहाँ शुरू टीटी कैरी लोअर करें, है पे। यूएमई 420 को नॉक करते हुए एक्सपेक्टेड शायद उन्होंने कंफर्म किया एलएस को आउटसाइड द सर्कल पकड़ते हुए एंड हितेश को यहाँ पे फिनिश करते हुए एंड अब शायद हेक्स के टीम मूव करेंगे। तो कट हो चुके हैं मवी यहाँ पर कवर पर देने के लिए आ चुके हैं। मवी का पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मवी ऐसे पिकअप कर सकते हैं एंटो एंड बीरू के ऊपर पूरा दरबदार है। कौन सा एंगल लोग पकड़े हैं वहां पर अगर देखोगे टीम वो एनटीटी भी थोड़ा बहुत एंगल बनाने शुरू कर देंगे इस क्वेश्चन के लिए और ज्यादा खतरा होते हुए यहाँ पर जोनाथन आ जाएंगे इस एंगल से एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट मवी को नॉक आउट कर देंगे एंड मवी यहाँ पर नॉक एंड जल्दी गेम से बाहर भी डाल चले जाएंगे। अब यहाँ पे मवी डेफिनेटली कंफर्म हो जाएंगे एंड जॉनी यहाँ पे पेन निकालते हुए एंड मवी को परफेक्ट पेन देंगे एंड बहुत ही प्यारा गेम प्ले एनटीटी के तरह। तो ये पुश आते हुए स्पार्क का बेटे लैग हो रहा है तो एक बार आसपास कर दीजिए। लेकिन वो हील पिकअप करेंगे उस टाइम पे आतंकी आ जाते तो आतंकी देखने को मिलेगा स्काउट को भी क्लियर आउट करते हुए आतंकी कमिंग अप विद दैट ऑसम 1v4 इस पोजीशन में बहुत ही मुश्किल है बट कैन एमजे डू इट कैन एमजे डू इट आतंकी ने थोड़ी देर पहले किया था एंड ये देखो बात करता है थोड़ा तकलीफ हो सकता है। जेब्रा बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है काफी आगे बढ़ रहा है। वहाँ पे नेट जा रहे हैं मेगा की तरफ से उनके पास एक टू डिप है और एक घर है जिन पे उन लोग कवर्ड आई थिंक मेगा अंदर जा सकते हैं बट नो दे उन लोग एक एक गाड़ी को यूज कर रहे हैं अपने लिए कवर बनाने के लिए एंड मेगा के ऑनकोर और स्वैग पीछे शायद बॉल से कवर्ड है। दोनों तीनों नॉक हुए महम के इमोर्टल भी यहां पर आ चुका चार का चलोन यहां पर आ जाएगा इमोर्टल यहां पर सिर्फ नॉक आउट हुए राइट साइड पे जहां स्लेविन करेंगे वहां पर ही बचता है तो डायरेक्ट आते हुए एक और टीम के सामने आई डोंट थिंक इट विल बी बचने वाला है अभी भी नॉक है पीएसी कॉलर पूरा का पूरा स्क्वाड है पर एलिमिनेट होते हुए। इस पोजीशन में सबसे ज्यादा डेंजर जो होने वाला था कि जोन कहां पर जाएगा कौन से साइड पे जोन जाएगा जोन का देखोगे हर एक जगह पर बुक्ड है एलएस का स्क्वाड पीछे से आते हुए ऊपर फार्म हाउस वाले या बार्न हाउस साइड अप्रोच करना पड़ेगा एंड हो सकता है गिल एंड कैरी है यहाँ पर देखना ये पड़ेगा कौन ये 2v2 पुश में होल्ड कर सकता है तो कैरी बहुत अच्छा टीपी भी ले रहा है एक नॉक एंड स्टील की से बाहर निकलने की कोशिश करते पर रिलोड टाइम था रिलोड पे हो गया एंड वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगा ये जाता है ये यहाँ पर एक नॉक कर सकता है यहाँ पर अपने टीम के कैरी को बचा सकता है दोनों के बाहर के फाइट में फंस गए यहाँ पे काफी ज्यादा नॉक निकाल के वापस टीम के लिए आएगा दो बंदे अभी भी सर्वाइव में बैठे हैं कहाँ पर बैठा थे नॉकआउट हो जाएंगे एंड वहां पर पुश आते हुए कैरी के तरफ से बट इमोर्टल भी जोन के अंदर जाने की कोशिश इन सब के बीच में बॉर्डर क्लियर आउट हो गया एलएस ने कमला बॉल वहां पर उसको 1v1 में क्लियर आउट कर दिया गया एंड वेलोसिटी के बंदे से यहां पर कैकर आउट है वो उसी पे चेंज आउट कर चुके हैं राइट बैक बंदा एंड दो ही बंदे एंड वेलोसिटी कमिंग अप विद द विनर विनर चिकन डिनर आई थिंक यस।
होगा। सो आई गेस यहाँ पे कुछ टीम्स है जो उस तरफ जाते हैं उनको दिक्कत होगा, बट डोब्रोमेस्ट्रो एंड ये वाला जोन पार्क बनेगा ठीक है। तो आई थिंक पेशकुवा पोडगोस्टो वाली टीम्स तो आई थिंक एंटी भाई एक बार देख लो आपका हाँ बहुत मैं मुझे भी चलो कोई नहीं। तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे पेशकोवा साइड मुझे लग रहा है जोन बनेगा एंड सो इसके वजह से इट्स पॉसिबल कि एनटीटी और आईएनटी के पास काफी अच्छा चांस है, बट लेट्स सी जस्ट अ प्रेडिक्शन। बहुत ही जल्द हमें जोन दिखने को मिल जाएगा वहाँ पे। मीनवाइल वीएसजी के क्रॉल इवो ने पिक ऑफ किया एलएस के इग्नाइट को एंड टीम नंबर 16 और 15 के बीच में। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो आई गेस एलएस के पास यहाँ पे एडवांटेज नहीं बोलूंगा, हाँ शायद एडवांटेज है क्योंकि इवो को वहाँ पे पिक ऑफ करना चाहेंगे एंड यहाँ पे मीनवाइल बोब डूब के पास भी उजी है तो आई थिंक इजी के लिए यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, बट नो वहाँ पे इवो ने अक्षत को पिक ऑफ किया एंड आर्टेमिस ने वहाँ पे इवो को चलो लॉक किया है। कमी हो रहा है पर एचपी उधर एक है यहाँ पर पोस्ट करते हुए अक्षत को और ज्यादा डैमेज दिया गया है। अर्टेमिस एंड अक्षत वहाँ पर दो ही बंदे बचे हैं यहाँ पर एचपी के साथ अभी आएंगे तीनों के तीनों बंदे यहाँ पर पोस्ट करेंगे एंड ये पोस्ट उन लोगों को हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा ही खतरा हो सकता है। अभी के पास लेवल 2 का फेस है बट हेलमेट नहीं है ऊपर एचपी एंट्री करने की कोशिश करते हुए उधर एक है बट यहाँ पर एलएस की टीम आई थिंक कूद चुके हैं वो लोग नीचे चले गए पीछे के साइड में जाते हैं एचपी को अभी यहाँ पर डैमेज देने की कोशिश अभी ने यहाँ पर ने वहाँ पर एक्सेप्ट को डाउन किया पर अभी भी हिट फाइट करने की कोशिश करेगा। अर्थवीज उधर सामने है इस पोजीशन में बहुत ही ज्यादा क्लोजेस्ट फाइट देखने को मिला। अर्थवीज भी नॉकआउट हो चुका है एंड एलएस के स्क्वाड को एलिमिनेट करते हुए वीएलजी क्रॉलर्स चार किल निकाल गए लेकिन एक टीममेट को खो चुका। आई कैन सी 8 टीम्स वहां पे वीएलटी ब्रॉलर्स एलिमेंट फनेटिक 7s गॉडल एमजीजेड एंड ओआर फुल ऑन सब रेडी हो जाएंगे पूरी फॉर का इनिशियल फाइट है एंड देखना पड़ेगा फनेटिक फ्रैंकी ने एलिमेंट गब्बर को इंस्टेंटली गेम से बाहर निकाल दिया। यही वो चीज है जहाँ पे फनेटिक हमेशा कवर में आ जाती है 4v4 के एडवांटेज बहुत ज्यादा बट यहाँ पर आते की भी नॉकआउट होते हुए नियो के हाथ में। हम सबको बताया नियो बहुत ही अच्छा क्लोज रेंज में बट यहाँ पर रॉक्स के सामने मुश्किल हो सकता है क्योंकि रॉक्स का एचपी अच्छे खासा है वहाँ पर नियो का एचपी कम है बट वहाँ पर जोनाथन आएंगे एंट्री करने की कोशिश। जोनाथन गाजा तीनों बंदे यहाँ पर सेल्स को स्क्वाड को एलिमिनेट करते हुए चार किल लोगों को निकाल लेंगे। फनेटिक ऊपर फिर से चलेंगे फनेटिक यहाँ पर दो बंदे यहाँ पर जॉन जेड गॉड को एकदम पकड़ के रखा है उसको रिवाइव होने का चांस ही नहीं है। पर पैराडॉक्स को आना पड़ेगा क्लियर आउट करना पड़ेगा फिर ही रिवाइव हो सकता है बट पैराडॉक्स में जेड गॉड को क्लियर ही नहीं कर रहे एक बेट करके रखा है एट लास्ट उसको क्लियर आउट करके देना पड़ेगा। चारों के चारों बंदे एक ही व्हीकल से रोटेशन देते हुए फनेटिक के पास ये लोग आ चुके हैं एंड 4v2 जिस सिचुएशन हो सकता है बट पीछे से आएगा टीम तमिलियस का मैंटी ओपी का स्प्रे एंड उसके हाथ पे यहाँ पर डूड हो चुका है नॉक। सूर्या को भी बहुत ज्यादा डैमेज खाया शैडो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज खा चुका है। शैडो ने एक नॉक भी किया कैरी को एंड वो थोड़ा बहुत शांत करेगा एंड स्काउट एंड टीम ने बहुत ही परफेक्ट टाइम पे यहाँ पर बैक स्टेप किया एंड फ्रैंकी एंड टीम आकर यहाँ पर किल लेके गए एंड फनेटिक बहुत सही तो बिलीव ने नॉक किया। जोनाथन अलग साइड से जाने की कोशिश करता है क्लोक को वहां पर विडू ने नॉकआउट करते हुए एंड यहाँ पर डकी भी नॉकआउट हो चुका है कैरी को यहाँ पर नॉकआउट करते हुए मेंटी ओपी लास्ट में सर्वाइव करते हैं डकी वहां पर बहुत कम एचपी के साथ है एंड आई थिंक यहाँ पर 7-6 क्लियर आउट हो जाएगा बट एक किल लेके गए दैट इज वेरी गुड। यहाँ पर 7-6 क्लियर आउट हो चुका है टीम तमिलियस यहाँ पर एक किल निकाल चुका है 3 किल के साथ है। टॉप 8 स्क्वाड हम लोग देख पा रहे हैं 19 पीपल स्टिल रिमेनिंग राइट नाउ। महम के स्क्वाड के ऊपर चलेंगे बिलीव यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। फनेटिक 9 किल के साथ अभी भी टॉप 7 पे है। स्काउट के पास एक किल है फ्रैंकी के पास इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 किल है एंड जोन के अंदर अभी भी अंतिम जोन के लिटरली थोड़ा दूर अंदर जाना पड़ेगा एंड क्रेटोस की टीम को स्नैक्स को बचाने की कोशिश करेगा बट बहुत ज्यादा रिस्की है एंड वही रिस्की देख पाओगे क्रेटोस लिटरली 5 इंची से भी कम आ चुका है बट यहाँ पर स्लेयर ने बहुत ही प्यारा कवर देते हुए करारा एक कार्नेट का चाटा देते हुए वहां पर ओआर के मवी को एंड ये दो बंदे अभी स्लेयर मिट कर सकते हैं एक स्मोक वॉल बनाएंगे एंड ट्रांस यहाँ पर एक एंगल बना के कवर बनाने की कोशिश कर सकते हैं एंड यहाँ पर एक आईएनटी के लिए एक मतलब अच्छा मेंटी अकेला बचा है 4 किल उनके पास अपने टीम को वापस पूरे भार को उठाते हुए एंड 16 प्लेयर्स अलाइव है हमारे पास एंड यहाँ पे आई थिंक उन्होंने एक क्रू मॉली कुक किया बट वो मॉली बाहर गिर गया एंड आई थिंक मेंटी जोन के अंदर आई थिंक वॉल जो है एग्जैक्टली वो हल्का सा जोन तो वो अभी भी सर्वाइव करेगा बट पीछे से फ्रैंक फनेटिक आ रही है तो आई थिंक स्काउट और फ्रैंकी डेफिनेटली स्पॉट कर लेंगे मेंटी को एंड यहाँ पे स्काउट ने डेफिनेटली स्पॉट किया होगा स्कोपिन करेंगे एंड एक इजी किल स्काउट के नाम पे एंड 10 किल यहाँ पे फनेटिक के लिए बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस डुओ इस डुओ से।
यहाँ पे पावर से डार्क को देखोगे वो भी सर्वाइव करके बैठे हैं। 2 मीटर जोन के अंदर जाए मैचेस पे हम लोगों को उनको डार्क को देखते हुए मिला है कि वो सोलो सर्वाइव करके अपने टीम को टॉप 3 में या टॉप 2 में लेके आ चुका है। वर्म अभी आईएनडी के हाथ में नॉकआउट हो चुका है। आईएनडी यहाँ पर एक पुश पे है, यहाँ पर ब्रॉलर्स के एक बंदा ऊपर नॉक है, दोनों साइड पे लोग एक साथ फाइट ले रहे हैं एंड ये मुश्किल पैदा कर सकते हैं। पावर से डार्क को भी ढूंढने की कोशिश किया जा रहा है बट वो ढूंढ नहीं पा रहा है। स्लेयर अभी भी कार 19 निकाल के बैठे हैं एंड स्लेयर का अभी स्नाइपिंग अलग लेवल का स्नाइपिंग पे वो लोग इवॉल्व हो चुका है एंड बहुत ही अच्छा स्नाइपिंग करने लग चुका है स्लेयर एंड बहुत ही अच्छे लेवल के गेम प्ले अभी टॉप 4 पे अपने टीम को लेके आ चुका है। मवी का जो पोजीशन है बहुत डेडली है ब्रॉलर्स के लिए, ब्रॉलर्स पता ही नहीं चल पाया था कहां पर है एंड अभी आदित्य का हेलमेट भी नहीं है, ये भी मुश्किल पैदा होगा फ्रैंकी से, फनाटिक से फ्रैंकी 3 फर्स्ट के साथ स्पॉट बचे हैं क्या? नहीं, आई डोंट थिंक कि मेगा का स्पॉट बचे हैं। ब्रॉलर्स के चारों बंदे बचे हैं, ब्रॉलर्स के पास फर्स्ट एड वगैरह देख लेते हैं। सौमिल यहाँ पर ऊपर जाते हैं, प्रसन्न के पास भी फर्स्ट एड नहीं है, एक ही है। ब्रॉलर्स के बैट के पास भी फर्स्ट एड नहीं है, पर नॉकआउट कर देंगे पीछे से स्नैक से कवर फायर आते हुए एंड वो यहाँ पर नॉकआउट हो चुका है। ब्रॉलर्स यहाँ पर नहीं बच सकते हैं, उन लोगों के पास हीलिंग की भी कमी है। ओआर के मवी के ऊपर चलेंगे, एक बार वो खत्म हो चुका है। फनाटिक के फ्रैंकी यहाँ पर हिल बैटल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आईएनडी का स्पॉट पुश करते हुए ब्रॉलर्स का बैट प्लेस उनका डैमेज है, क्लियर आउट हो चुका है। ब्रॉलर्स का स्क्वाड एलिमिनेट हो चुका है, आईएनडी टॉप 4 टॉप 2 पे आ चुका है बट फ्रैंकी के ऊपर पुश किया जाएगा नहीं, ये पुश कंफर्म होता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। एंड यहां पर फ्रैंकी यहां पर एक नॉक पिकअप करेंगे, उसको क्लियर आउट करने की कोशिश बट आपने जो प्रेडिक्शन दिया वही यहां पर होते हुए टीम आईएनडी कमिंग अप विद द विनर, विनर चिकन डिनर 5 किल के साथ चिकन डिनर ले गए। बोलते हैं एक जनरलाइज्ड अच्छा प्लेयर जैसा परफॉर्मेंस देता है वैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस तो वो ये टीम लैक कर रही है। इस टीम में कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं दिख रहा मुझे जो अपने टीम के लिए, जब पूरी बाकी टीम जैसे है जिसमें कोई भी परफॉर्म नहीं करता। पिक ऑफ किया फनेटिक कैश का, मेगा ने सेल्फ के साथ ड्रॉप किया या शायद रोटेशन, ओके रोटेशन का चक्कर था वहां पे। तंकी ने स्काउट को पिक ऑफ किया, वीएलटी ने वहां पे सेल्स को पिक ऑफ किया, मल्टीपल 4 स्क्वाड यहां पे लड़ लिया। तंकी ने वहां पे ओवेस को भी पिक ऑफ किया, आतंकी इज ऑन अ रोल, उसके पास गन है, पूरा एडवांटेज ले रहा है उसका। फ्रेंकी को शॉट देने की कोशिश एंड यहाँ पे एश को कंफर्म करेंगे, यहाँ पे ओवेस को कंफर्म करेंगे। फनेटिक के लिए एक दर्दनाक एंड सेल्स के लिए भी इन्फेक्टेड दर्दनाक स्टार्ट एंड वहाँ पे ओवेस भी गए, एश भी गए। आइडिया चलेंगे फिर से एलएस एंड 76 के ऊपर, फिर से एक बार मैप देख लेते हैं। मैप जोन जो बना है वो साउदर्न पोर्शन पे जोन बना है तो ऊपर एलिमेंट एंड टीम टेमिलियस के लिए मुश्किल होगा, रिमेनिंग हर एक स्क्वाड के लिए उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। 4 मैन है इनके पास, एडवांटेज है, देखिए दोनों टीम्स के एक एक प्लेयर डाउन है 7S और LS के, बट VLT का एक थोड़ा सा दिक्कत क्या कि इसके बाकी प्लेयर्स काफी दूर है। कैकरॉट को आई थिंक यहां पे वेट करके निकल जाना चाहिए वाइल उनके टीममेट्स कवर पर दे सकते हैं, बट आई थिंक गलत तरफ से मूव कर रहे हैं, इनको इंस्टेंट राइट लेना होगा। वॉल का कवर एंड मैंने यही बोला गलत तरफ से मूव कर रहे हैं एंड 7S के मनु वहाँ पे नॉक करते हुए बहुत ही बेसिक सा मिस्टेक किया इन्होंने, इन पे पुश हो रहा था 7S का, घबराए डरे एंड वहां से निकल गए। सो तीनों ही स्क्वाड जो भी पिकाडो के आसपास उतरे थे, नेट कनेक्ट नहीं होगा पीछे में कस्टर के, पैराडॉक्स है बहुत ज्यादा ही पीछे। अगर इस पोजीशन में एक पीछे से फ्लैंक किया जा सकता है पैराडॉक्स की तरफ से नीचे लोअर हिस्से, तो यहाँ पर वेलोसिटी के स्क्वाड को एकदम पिन डाउन किया जा सकता है। या बिल्कुल सही कहा, आई थिंक यू नो स्वैग ने बहुत प्यारा एंगल पकड़ लिया, आई थिंक वेलोसिटी को काफी दिक्कत होगा। स्वैग के पास यूटिलिटीज है तो यूज करना चाहिए, यू नो आई थिंक वहाँ पे वैक्सी ने यूज किया, जेडन को पिक ऑफ किया, आई थिंक ये बहुत इजी पुश हो सकता है बट ये पैराडॉक्स और वैक्सी थोड़ा डिस्टेंस में है तो प्लेयर्स होल्ड करेंगे। आई थिंक स्वैग को नहीं पता कि उसके राइट में ही 2 प्लेयर है, उन लोग गलत घर को टारगेट कर रहे हैं एंड जब आई गेस स्वैग यहाँ पे अब पुशिंग करेंगे, दे रियलाइज यहाँ पे कोई नहीं है एंड दे वुड ऑल 4 मैन चार्ज करेंगे इस घर के अंदर। लेट्स सी यहाँ पे स्वैग को स्पॉट करने में हल्का सा टाइम लग रहा है एंड यहाँ पे स्पॉट किया डेंजर को, स्प्रे करने की कोशिश, क्लोज रेंज रेड डॉट AKM का यूज एंड वहाँ पे ड्यूस को बहुत ही बेहतरीन हेडशॉट्स कनेक्ट किया एंड आई थिंक इट्स अ 4v1 सिचुएशन एंड मेगा खाते में 3 किल लिखते हुए Yes, 5 किल उन लोगों के पास आ चुका है, 3 किल यहाँ से, उससे पहले 2 किल था आई थिंक सेल्स का, नहीं सेल्स का 1 किल था, 4 किल यहाँ से निकाला है। यहाँ पर ब्रॉलर्स का स्क्वाड है 1 किल के साथ, उन लोगों के सामने टीम महम, महम का एक बंदा आई थिंक क्लियर आउट हो चुका है इस पोजीशन में। यस महम एक लोग क्लियर आउट हो चुका है, जोन लॉस्ट लीडर्स की तरफ ही है। यहाँ पर लॉस्ट लीडर्स पे सेंटर कोई नहीं होल्ड कर रहा, क्या लगता है भाई जोन नीचे की तरफ जाएगा? अगर साउदर्न पोजीशन पे जो पानी वाला जोन है ना, अगर आप सूर्या का नाम देख रहे हो तो जहां से उसका नाम एंड हो रहा है ना वहां पे आप देखिए सूर्या का नाम जो एंड हो रहा है वहां से लेके पुएटो की तरफ मेरे हिसाब से जोन बनेगा। जोन साउथ ईस्ट कटना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ पे, क्योंकि जोन उसी तरफ कटता सा दिख रहा है। आई थिंक इट कुड बी एंड, पर मीनवाइल यहाँ पे मैक्सकाश ने नॉक किया PHK आइकॉनिक को एंड MGZ यहाँ पे द डूड मैक्सकाश शेडो सूर्या, लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म।
यहाँ पर किल निकाल पाता है कि वो देखना पड़ेगा। मैसियस M16 एंड एक और स्कारेल है उसके पीठ पे, वही है यहाँ पर सामने सूर्या है। दूसरी साइड पे वो एंगल होल्ड करना चाहेगा, यहाँ पर डूड शैडो एंड टीम यहाँ पर अच्छा गेम प्ले दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर आई एन डी को बच्चे आई एन डी से ट्रांस यहाँ पर धीरे धीरे करके जोन के ऊपर सामने टेंट नंबर 21 को पिन डाउन करने की कोशिश करेगा। थक भाई आज एक चीज मैंने नोटिस किया, आज भी रेड जोन ने ना एडेंगल पे मैप पे भी एक नॉक किया था फिनेटिक के वेस को, एंड दूसरे मैप जो विकेंडी पे हुआ था वहां पर भी कोई रेड जोन से शिकार हुआ है। रेड जोन का शिकार इतना ज्यादा हो रहा है वो देख के बहुत फनी लगता है, बट वो गेम चेंजिंग भी हो जाता है बहुत टाइम पे। या बिल्कुल सही कहा यू नो आपने, वो फनी लगता है बट गेम चेंजिंग होता है। पर कॉम्पिटिटिव में मैं इतने टूर्नामेंट्स देखा हूँ, आज तक मुझे ऐसा याद नहीं है कि हमने लाइक आपने भी इतने टूर्नामेंट्स कास्ट किए हैं कि किसी बड़े टूर्नामेंट में यू नो रेड जोन ने कोई बहुत बड़ा चेंज लाया हो। बट द थिंग इज कि जो भी पीएमसी या पीएमपीएल रहता है वहां पर रेड जोन ना ही प्लेयर रहता है, वो दोनों ही गेम से बाहर निकाल दिया जाता है, इसलिए वो लोग नहीं रहते वहां पर। एंड एक सेकेंड लैग हो रहा है मेरे लिए, ओके हाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी एच के डार्क वी एस जी के प्लेयर्स के साथ फाइट करते हुए, आई थिंक पी एच स्पॉट कर लेगी, पर टू मैन है पी एच के साथ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, फोर मैन इन लोग लास्ट सर्कल तक नहीं पहुँचते। यस ये चीज मैं मानता हूँ, और बहुत टाइम भी देखने को मिल रहा है ओआर वर्सेस टीम टीएसएम एनटीटी का यहाँ पर फाइट देखने को मिल सकता है। दोनों स्क्वाड बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये स्क्वाड दोनों का फाइट यहाँ पर देखने को मिलेगा। कल भी ओआर को इस रीज से रोटेशन वगैरह देने को देखने को मिले थे, यहाँ पर सामने से पूछाते हुए नहीं होगा तरफ से मवी के लिए मुश्किल होगा, अकेले है मवी, रिट्रीट करने की कोशिश करेगा बट वो रिट्रीट सक्सेसफुल होता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। न्यू यहाँ पर आ चुका है, न्यू ने साउंड सुन चुका है, मवी दैट बगी यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा बट एंटो एंड दलजीत पीछे से कवर देते हैं, मार्को शैडो ने वहाँ पर सेवन को नॉक आउट कर चुका है। यस एंड यहाँ पे मीनवेल टीएसएम वर्सेस ओआर एक बार फिर हमें देखने को मिलता है, फिर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जोनाथन पेन लेके मवी को पैन करता, बट नो यहाँ पे इस बार मवी बच के निकलते हुए वहाँ पे नियो थ्री एक्स प्ले करने के लिए कोशिश टायर्स बस करने की कोशिश करेंगे कि उसके बाद बगी लेके घूमना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहता है, बट नो यहाँ पे ओआर निकलते हुए टीएसएम भी आई थिंक रिग्रुप होना चाहिए वाइट तब होने वाला है सब सिचुएशन है, बट डूड ने इसके से शॉट से मैक्सी को नॉकआउट किया एंड डूड उसको कंफर्म करने के लिए और ज्यादा एंगल मारने की कोशिश करते हुए शैडो यहां पर मिड टाइम क्लोज कर रहे हैं एंड देखते हैं बट टेम्पलियस को लोग क्लियर आउट कर सकते हैं कि नहीं। यप एंड यहां पे हम लोग चलते हैं अगर सूर्या आई डोंट थिंक कि टीम टमिलास को पूरा फिनिश ऑफ कर देंगे, बट यस एक प्लेयर काफी ओपन में आ गया था तो उनको नॉक करेंगे। वहाँ पे मीनवेल ऊपर से टीम आईएनडी का स्नैक्स मुझे दिख रहा है जिसपे सूर्या ने एक शॉट कनेक्ट भी कर लिया 3x के टैप फायर से, एंड स्नैक्स यहाँ पे थ्री मैन फोर मैन आईएनडी बची है, स्नैक्स लो ऑन हेल्थ, आई थिंक उन लोग यू नो हील करेगा स्नैक्स यहाँ पे फर्स्ट एड लगाते हुए। और यहाँ पे अगर ट्रांस की बात करें तो आईएनडी की पूरी टीम एक हिल होल्ड करके रखी है इनके चारों रोटेशन देके क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा। ओआर वर्सेस टीएसएम एनटीटी एडेंगल से भी फाइट शुरू हुआ था, मीडियम आर पे भी खत्म होने वाला है, ये राइवली इन दोनों स्क्वाड का बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सेम टाइप का स्क्वाड है, दोनों ही टीम बहुत ज्यादा रश गेम प्ले दिखाते हैं एंड सामने वाली टीम को बक्स से नहीं है एंड फुल ऑन किल निकाल कर जाना चाहता है। वर्कर मवी को यहाँ पर नहीं होने टैप के शॉट से लास्ट बुलेट कनेक्ट हुआ था उसको क्लियर करते हुए, दलजीत को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश किया जा रहा है बट वही 3x के कारण उतना ज्यादा स्पॉट नहीं हो रहा है वहाँ पर। मिस्टर स्प्रे को मार्को किंग शैडो ने क्लियर किया एंड तिम तमलियस वहां पर एलिमिनेट हो चुके थे एंड यहां पर चलेंगे वीरू के ऊपर, वीरू इस पोजीशन में होल्ड कर बैठा वहां पर, 8 मिनट अश्विन एक नॉक किया एंड वीरू ने यहां पर जल्दी कार से द डूड को नॉक दैट बॉट को नॉक करते हैं, उसको इंस्टेंटली गेम से बाहर निकाल दिया जाएगा एंड वीरू यहां पर फंस जाएंगे, पूछ जाएगा पीछे से भी डैमेज आ रहा है एंड वीरू 1v1 क्या हो रहा है नॉकआउट होते हुए बट कवर फायर आया बहुत ही प्यारा बट नहीं बचा पाए हैं, मवी भी नॉकआउट हो चुका है, दलजीत तो ऑलरेडी नॉकआउट पड़े हैं एंड तो लास्ट मैन सर्वाइविंग उसके टीम से दलजीत को वो रिवाइव देने की कोशिश करेगा, दो बंदे वहां पर जोनाथन घातक है एंड एक परफेक्ट कुक नेट आया था बट एंटो उस नेट से भी कैसे भी करके बच गया बट इस नेट से आए दोनों टीम को बचने वाले एंड वही नेट से खत्म होते हैं। टीएसएम एनटीटी फिर से यहाँ पर ओआर को क्लियर आउट करते हुए जब बहुत ही प्यारा एनटीटी की तरफ से हमें फाइट देखने को मिला, ओआर एक बार फिर वाइप आउट एंड यहाँ पे ये जो एक फोर वे फाइट चल रही है आईएनडी वर्सेस एमजीजेड वर्सेस 8 बिट वर्सेस रेप टीटी, यहाँ पे स्लेयर नॉक हो गया एंड क्रेटोस अपने हाथ में यू नो M4 4X लेके लेट्स सी एमजीजेड पुश करेगा नहीं करेगा, आई डोंट थिंक दे पुश करेंगे बिकॉज हाइट है, वहाँ पे ट्रांस ने ट्रेड लिया एमजीजेड के द डूड को पिक ऑफ किया एंड यहाँ पे सूर्या आई गेस होल्ड करेंगे, वहाँ पे ट्रांस काफी ओपन में पर यस पर बहुत ही बेहतरीन स्प्रे ट्रांस की तरफ से M416 का टू पिक अप एमजीजेड सूर्या, बहुत प्यारा स्प्रे था क्योंकि ट्रांस काफी ओपन में था, सूर्या एक्चुअली हैड अ वेरी क्लीन शॉट बट ही समहाउ मिस्ड इट एंड ट्रांस डिड अ फैंटास्टिक जॉब कनेक्टिंग ऑल द शॉट्स हेड पे एंड यहाँ पे एक नेड आते हुए डैमेज पड़ सकता था, हल्का सा पीछे गिरा और एल्स दोनों प्लेयर्स नॉकआउट हो सकते थे।
मीनवेल वीएजी के क्रॉल इवो ने टीएसएम के नियो को पिकअप किया, पिकआउट किया। टीएसएम वर्सेस वीएजी फाइट गोइंग ऑन एज वेल, पर यहां पे आईएनडी वर्सेस एमजी डीएफ फाइट काफी देर से होना ड्यू था, वो चल रहा है बिकॉज अब रोटेशन का डेस्परेशन हर टीम में दिखते हुए। एंड यहां पे गॉडल की टीम बीच से, दोनों टीम के बीच से निकलते हुए एंड यस सक्सेसफुली निकल जाएंगे बिकॉज एमजी इज टू इन्वॉल्व इन फाइटिंग टीम आईएनडी। बट शैडो ने नॉकआउट किया स्मोकी को, इंस्टेंटली उसको गेम से भी बाहर निकाल दिया गया। आईएनडी का स्क्वाड एंड अभी मार्कोस गेम को प्ले करेगा एंड मार्कोस गेम का रूट पे ऑलमोस्ट नॉकआउट करते हुए हंसता वहां पर व्हीकल एक्सप्लोजन में होते हुए कंप्लीट दैट वाज कैरी ऑफ अ बिलीव नॉकआउट हो चुका। एंड अभी आईएनडी स्नैक्स को प्रीवियस प्ले आ रहा है टीम गॉडलाइक की तरफ, दिस कुड बी बैड बिकॉज बस यहां पे पलट सकती है एंड नो बट यस काफी ज्यादा स्प्रे आते हुए एंड आई थिंक दैट इज फॉर श्योर एंटिटी सच एक्यूरेट स्प्रेज आते हुए एंड वहाँ पे इनको ऑन फुट अब मूव करना पड़ेगा। टास्क डिफिकल्ट हो गया आई थिंक, काफी लंबा रोटेशन ले लिया जैरो को, वहाँ पे नियो को पिक ऑफ किए एंड यहाँ पे जैरो गॉड बग्गी लेके मूव ऑन करना चाहिए पर घातक का स्प्रे कनेक्ट करेगा एंड बग्गी के टायर को ऑलरेडी बस्ट कर दिया। वहाँ पे टीम आईएनडी के केटॉक एमजीजेड के मैक्सकाश को पिक ऑफ किया, यहाँ पे तीन किल्स एडमिट के पास ऑलरेडी है बट आई एम नॉट रियली श्योर कि बट कैसा चलेगा। बट यस एमजीजेड यहाँ पे हील हो जाएगी, आईएनडी इज नॉट गोना पुश हम लोग अगर देखे, पर वहाँ पे ट्रांस के पास एक अपॉर्चुनिटी है एमजीजेड के शैडो को पिक ऑफ करने की। बट यहाँ पर आई एन डी के पास एक बहुत बड़ा चांस है कि वो लोगों ने जो गेट कीपिंग करते हैं बट मार्कोस गेमिंग को वो लोग एंट्री करने नहीं देंगे। इन बीच से 8 मिनट का जाइडस गॉड यहाँ पर जोन के अंदर आने की कोशिश कर रहा है बट वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, स्लेयर के हाथ पे नॉकआउट हो चुका है। किल कौन लेके जाएगा वो चीज है, एंड किल यहाँ पर स्लेयर नहीं कर पाया आई एन डी यहाँ पर अच्छे खासे गेट कीप करके मार्कोस गेमिंग को इजिली रोक सकते हैं। टी एस एम एन टी डी भी उस साइड पे एंड स्वैग ने ब्रॉलर्स का बैट को नॉक किया एंड वहाँ पर स्नैक्स को पीछे से किल ने नॉक किया और ब्रॉलर्स के बैट को बॉट को इंस्टेंटली गेम से बाहर भी निकाल दिया। स्नैक्स को यहां पर खेलने इंस्टेंटली गेम से बाहर निकाल दिया तो मार्कोस गेम के लिए एक चांस हुआ बट डूड वो प्लेस उनका डैमेज का नॉकआउट हो एनिमेट के अनमोल ने ऊपर मेगा के इनकोर को नॉक कर बॉलर्स के प्रेशर ने ऊपर प्लेस उनका डैमेज का नॉकआउट हो चुका है। एंड अगर शैडो भी नॉकआउट हो सकता है बट कनेक्ट नहीं हुआ और टीएसएम एनटीटी भी नॉकआउट होते हुए अक्षु के हाथ पे ये लोग जोन के अंदर आ चुके हैं। उल्टा ये लोग टीएसएम एनटीटी को जोन के अंदर आने नहीं दे रहे हैं, गेट कीपिंग किया जा रहा है। अक्षु घातक के लिए हमें कंट्रोल कर लेगा, 8 मिनट बहुत ही प्यारा गेम प्ले दिखा रहा है बट वहां पर गॉडेल का स्क्वाड इन लोगों को स्प्रे कर सकता है एंड वही अक्षु को ऊपर स्प्रे आ रहा है। टैप कनेक्ट हो रहा है, 30 एचपी है, स्मोक हो जाएगा तो बच सकता है, वही स्मोक हो चुका है। टीएसएम एनटीटी से नियो बचे हैं, जोनाथन नॉक है, नियो क्या जोन के अंदर आ पाएंगे आई डोंट थिंक कि नियो आ सकते हैं यहां पर बट क्यों आएंगे एंड क्लियर आउट हो गए जोन के अंदर आया गॉडले का हाथ क्लियर आउट हो चुके। एक बार चलते हैं मार्कोस गेमिंग के जोन के अंदर आ पाए नहीं, अभी भी जोन के बाहर है सामने ही है आईएनडी से क्रेटोस है, बस शैडो आके होल्ड कर लेगा एंड शैडो का पोजीशन बहुत ही खराब है, इसका रॉक से मेगा वेक्सी के हाथ में ऊपर खत्म हो चुका है। आईएनडी को उसका फायदा लेगा, अक्षु एंड आईएस को देखना पड़ेगा जोन के अंदर दौड़ के आने की कोशिश कर रहे हैं। उधर एलएस के 8 मिस नॉकआउट है एंड 8 बिट पूरा जोन पे ही, मतलब ज्यादातर टाइम इस मैच पे मिरामार पे जोन के बाहर ही निकाल दिया, जोन के अंदर आने के टाइम पे उसके लिए मुश्किल हो रहा है। ब्रॉल के सौ मिल नहीं, अपने टीममेट के को ही व्हीकल ब्लश में दो बंदे को शहीद कर दिया एंड इधर 8 बिट का अक्षु नॉकआउट हो चुका है। आईएस ऊपर हील करेगा उसके बाद आने की कोशिश करेगा बट लास्ट बस्टेड है, हील बैटर करने की कोशिश आई डोंट थिंक वो ज्यादा टाइम सर्वाइव कर सकते हैं। और मार्कोस गेमिंग के बंदे ने आईएनडी के क्रेटोस को नॉक एंड क्लियर करते हुए अक्षु को किल ऊपर इवो ने निकाल चुका है बट शैडो अभी बचे एंड शैडो ट्रेस को ऑलमोस्ट नॉकआउट कर चुका था बट नेट गया। आईएस ने उधर एक नॉक भी किया, चलेंगे आईएस के ऊपर फिट भी बट इसके पास एचपी नहीं है, उसको जोन के अंदर आना पॉसिबल नहीं है, उसको यहां पर क्लियर आउट होना पड़ेगा। टॉप 6 स्क्वाड 16 पीपल, जोन पूरा एलिमेंट के हाथ पे VSG एंड गॉडल, एक्चुअली गॉडल फर्स्ट एंड वहाँ पे एक्जी आई थिंक डेफिनेटली फिनिश हो जाएंगे बिकॉज दोनों प्लेयर दोनों तरफ से जा रहे हैं एंड ट्रांस और प्लेयर पिक ऑफ करेंगे एक्जी को फॉर श्योर, दिस इज गॉडल यहाँ कन्फर्म हो जाएगी। आई एन डी दो ही प्लेयर बचे हैं, दो चार किल अपने खाते में लिख चुके हैं, टॉप 5 टीम्स पे आ चुके हैं। एम वाई एम फिर से स्पार्की भाई सर्वाइव करते हुए, एम वाई एम का आज का दिन बहुत ही प्यारा गया इस टूर्नामेंट में, तीनों गेम में आई थिंक दे मेड इट टू द टॉप 3 और 4 यहाँ पर। बट यहाँ पर कितने टाइम तक सर्वाइव करेंगे क्योंकि एक मिनट से दो बजे यहाँ पर नॉकआउट हो चुका है। अनमोल यहाँ पर उधर स्कारल एफपी मोड पर शिफ्ट कर चुका है, यहाँ पर पैडल पर नॉकआउट करते हैं। मेगा शार्क स्क्वाड के लिए लास्ट बंदा बचा है, वो भी यहाँ पर क्लियर आउट हो सकते हैं एंड मेगा भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है। यहाँ पर देखोगे मॉडल बचा है वो बचा इसका अल्ट्रॉन को उसको नॉक किया बट वो भी क्लियर हो चुका है। एलिमेंट 0 किल पे था, 7 किल पे आ चुका है। टॉप 2 स्क्वाड एलिमेंट के दो बंदे, वीएससी क्रॉस के 3 बंदे, 3v2 सिचुएशन है, दोनों भी अनमोल अकेले बंदे बचे हैं, पूरा का पूरा स्क्वाड आएगा पुश करते हुए। अनमोल राइट पिक एक डैमेज नहीं कोशिश, एचपी को नॉक किया बट हील करना चाहिए स्पेशल में, अगर हील हो जाता है तो उसको टाइम नहीं मिला, यहाँ पर राइट से आएंगे बीएससी कॉलर्स के पास टिकट डिनर यहाँ पर आ जाएंगे। जी जी टू टीम बीएससी कॉलर्स।